नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो चलो दोस्तों, एसी रिपेयरिंग का आज 14वां दिन है। तो एसी रिपेयरिंग में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पार्ट है उसके पार्ट की चेकिंग कैसे करते हैं, यह हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने देख लिया कि कॉम्प्रेसर को कैसे चेक करते हैं, थर्मोस्टेट को कैसे चेक करते हैं, स्विंग मोटर, फैन मोटर और कैपेसिटर, इन इलेक्ट्रिक पार्ट को कैसे चेक करते हैं, यह हमने कल के क्लास में देख लिया। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम ये देख लेंगे कि वोल्टेज रिले को कैसे चेक करते हैं, सिलेक्टर स्विच को कैसे चेक करते हैं, ये बताने वाला हूँ। वैसे तो पीसीबी को हम चेक नहीं कर सकते दोस्तों, उसके अलग टेक्नीशियन रहते हैं। ओएलपी तो ओएलपी कंप्रेसर के इंटरनल में आ रहा है, इसलिए उसको भी हम चेक नहीं कर सकते। तो चलो दोस्तों, अभी मैं बता देता हूँ कि वोल्टेज रिले को और सिलेक्टर स्विच को कैसे चेक करेंगे कि वो खराब है या अच्छा है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम ये सीखने वाले। और दोस्तों, अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर, इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो घर बैठे बैठे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नया वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे इधर जो फ्रिज एसी रिपेयरिंग के जो कोर्सेस लिए जाते हैं वो हिंदी और मराठी दोनों भाषा में लिए जाते हैं। तो चलो दोस्तों, इस आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज रिले का मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है। और यहाँ पे दोस्तों, हम इसको जो चेक करने वाले उसको क्लैंप मीटर से नहीं चेक कर सकते, उसके लिए हम यहाँ पे जो लैंप सीरीज है उससे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, लैंप सीरीज कैसे बनाते हैं ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, जो ये बल्ब है दोस्तों, ये जो बल्ब का जो होल्डर है वो, ये होल्डर को ले, एक होल्डर चाहिए और एक बल्ब चाहिए हमें। एक वायर लेना है, यहाँ पे कौन सा भी ले सकते हैं, फेज या न्यूट्रल। उस वायर को हमें यहाँ पे जो होल्डर है, एक पॉइंट को होल्डर का एक वायर देना और दूसरी पॉइंट से ये वही वायर आगे निकाल लेना। और जो दूसरी और एक वायर लेना है वो फेज के लिए लेना है। मतलब ऐसे दो वायर, एक फेज और न्यूट्रल, और जो न्यूट्रल है या फेज है उसके अंदर यहाँ पे हमें बल्ब को सेट करना है। और इसे हमें क्या करना है, अगर ये दोनों वायर को एक दूसरे के साथ यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं तो क्या होगा, यह लैंप जो है, ये बल्ब जो है वो जल जाएगा। इसी तरह से अभी हम इसको, ये जो वोल्टेज रेल है उसको चेक करेंगे। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो न्यूट्रल है उसके ऊपर हमने यहाँ पे लैंप को सेट कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। और जो फेज वायर है वो अलग से एक फेज वायर लिया है। अभी ये दो जो वायर है हमें कहाँ पे लगाना है, इसको बोर्ड में लगाना है, ये फेज और न्यूट्रल, ताकि, क्योंकि जैसे ही हम दोनों को एक साथ लगाएंगे तो क्या होगा, ये लैंप जल जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये जो वोल्टेज रिले है, वोल्टेज रिले को 3 स्टेप में यहाँ पे हम चेक करेंगे। कितने स्टेप में हम इसको चेक करेंगे, इसको हम 1, 2 और 3, 3 स्टेप में इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो न्यूट्रल है, ये जो लैंप सीरीज के जो न्यूट्रल है उसको यहाँ पे हमें 2 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे लगाना है। जो 4 पिने रहते हैं इसके, जो 4 पॉइंट रहते हैं वोल्टेज रिले के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का, ये सब अलग अलग पिने, अलग अलग पॉइंट है, ये आपस में ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। और ये जो 2 पिने यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 नंबर पे, या अंतर्गत यहाँ पे मतलब एक ही पिन रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिए 4 नंबर में, तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, मतलब ये एक ही पॉइंट रहता है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे एक वायर लगाएंगे और जो 1 नंबर है, 1 नंबर यहाँ वोल्टेज रिले का 1 नंबर है, उस पर एक वायर लगाएंगे फेज वाला। जैसे हम दोनों ये दोनों पॉइंट को 2 वायर लगा देंगे तो ये जो लैंप है, ये लैंप यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यानी कि ये लैंप यहाँ पे ऑन हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। जब हम दोस्तों वोल्टेज रिले में 2 और 1 नंबर के पॉइंट के ऊपर फेज और न्यूट्रल लगाएंगे तो ये जो लैंप है, सीरीज लैंप है, ये ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन हो जाता है, ये जल जाता है, तो पहले स्टेप में ये पास हो गया, यानी कि पहले स्टेप में ये वोल्टेज रिले सही है। अगर नहीं जल जाता है ये ओल्ड सीरीज लैम्प, तो ये रिले खराब है। तो अभी हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, ये जो वायर है जो हमने यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर पे लगाए थे, उसको हटाएंगे यहाँ से। और जो 5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये जो वोल्टेज रिले का 5 नंबर का पॉइंट है, उसके ऊपर यहाँ पे ये जो न्यूट्रल है यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो ये जो लैम्प जल गया था, इसको अभी हम हटा देंगे इसको। अभी जो न्यूट्रल वायर है ये 5 नंबर पे लगाएंगे और जो फेज वायर है सीरीज लैंप की, उसको हम 2 नंबर पे लगाएंगे। ऐसे करने से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे लैंप तो नहीं जलेगा, यहाँ पे अभी ये लैंप जो है, लैंप नहीं जलेगा, ये ऑफ ही रहेगा, मतलब ये बंद ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे हम इसको 5 नंबर और 2 नंबर पे ये फेज न्यूट्रल रख देते, तो यहाँ पे कट 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 करके यहाँ पे आवाज़ आ जाती है, मतलब जैसे टाइमर रहता है
डबल डोर का टाइमर रहता है उसमें जैसे आवाज़ आता है वैसे थोड़ी बहुत वैसे सेम टाइप के आवाज़ यहाँ पे आने लगती है। जैसे आवाज़ आ जाते हैं दोस्तों, ये दूसरे स्टेप में भी ये जो रिले है ये पास हो जाता है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है पूरा कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा है तो ये जो रिले है वो रिले ख़राब है। तो अभी हम तीसरे स्टेप में इसको कैसे चेक करेंगे, जो दोस्तों ये यहाँ पे दो नंबर पे यहाँ पे हमने जो फेज लगाया था तो उसको अभी हम यहाँ से हटाएंगे, वो स्विफ वायर को यहाँ से हटाएंगे। और अभी कहाँ पे रखना है दोस्तों, जो एक नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, एक नंबर के पॉइंट पे यहाँ पे हम इसको फेज को रख देंगे। तो अब क्या होगा दोस्तों, पाँच नंबर और एक नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर रखने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये जो सीरीज लैंप है ये जलेगा भी नहीं, ये तो ऑफ ही ऑफ का ऑफ ही रहेगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, ये जो जैसे हम इसको पाँच नंबर और एक नंबर पे रख देते वैसे ही यहाँ पे कट करके आवाज़ आ जाती है। कैसे आवाज़ आता है यहाँ पे, जैसे ओवरलोड ज़्यादा गर्म होने के बाद जैसे दोस्तों कट करके आवाज़ आता है, वैसे यहाँ पे ये जो रिले है उसका कट करके एक बार ही आवाज़ आता है। जैसे आप इसको ऊपर वायर रखोगे तो एक बार ही आवाज़ आएगी, दोबारा अगर आप वायर को यहाँ से वो हटाओगे और दोबारा फिर से यहाँ पे रख दोगे पॉइंट के ऊपर तो क्या होगा, फिर से कट करके आवाज़ आएगी। अगर फिर से यहाँ पे वायर को हटा देंगे तो फिर से, मतलब ये जितने बार रखोगे उतने बार एक ही बार ये कट करके यहाँ पे आवाज़ आएगा, दोबारा आवाज़ नहीं आता, बार बार आवाज़ नहीं आएगी यहाँ से। इस अगर ऐसे होता है तो दूसरे या तीसरे स्टेप में भी वोल्टेज रिले पास होगा, यानी कि ये इस तीन तरह से दोस्तों इस वोल्टेज रिले को यहाँ पे हम चेक करते हैं। और दोस्तों अगर आपको आसान तरीके से अगर आपको ये वोल्टेज रिले चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ पे वोल्टेज रिले आता है, अगर जहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है वहीं पे वोल्टेज रिले आता है, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है दोस्तों, एक दूसरा नया वाला वोल्टेज रिले ले लेना है और वहाँ पे हमें सेम उसी तरह से उसका वायरिंग कर देना है और फिर एसी को चालू कर देना है। अगर वो एसी चल गई तो समझना कि वोल्टेज रिले ख़राब था इसलिए एसी बंद हो गया था, और फिर भी अगर वो नया वोल्टेज रिले लगाने के बाद भी एसी नहीं चल रही तो उसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से भी दोस्तों आप नया वाला वोल्टेज रिले डायरेक्ट रिप्लेस करके यहाँ पे एसी को चेक कर सकते हैं कि पुराना वाला जो वोल्टेज रिले है वो अच्छा था या ख़राब था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सातवें नंबर पे है सिलेक्टर स्विच। तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में अभी दो टाइप के सिलेक्टर स्विच आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो सिलेक्टर स्विच है ये पाँच पिन वाला सिलेक्टर स्विच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन का सप्लाई का एक पॉइंट रहता है, एक आउट का रहता है, और इसमें एक और चार नंबर का रहता है, मतलब हाई स्पीड और लो स्पीड का रहता है, और एक कॉम्प्रेसर का एक पॉइंट यहाँ पे दिया रहता है। तो इसको हम सिलेक्टर स्विच को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए भी दोस्तों इसको यहाँ पे हम यहाँ पे जो सीरीज लैंप है इसे यहाँ पर चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज लैंप का एक न्यूट्रल है और एक फेज वाला पॉइंट है। दोस्तों ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको हम जो पांच पिन वाला सिलेक्टर स्विच रहता है दोस्तों उसको हम चार स्टेप में यहाँ पे चेक करेंगे। अगर ये चार स्टेप में पास हो जाता है तो ये सिलेक्टर स्विच ठीक है, अगर एक भी स्टेप में अगर ये खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ये सिलेक्टर स्विच खराब है, उसको हमें नया वाला जो सिलेक्टर स्विच है वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे चार स्टेप कौन से है ये आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो सीरीज लैंप का जो न्यूट्रल और जो फेज वायर है तो उसको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो स्विच है मतलब ये जो सिलेक्टर स्विच है उसका जो इन वाला पॉइंट है और जो आउट वाला पॉइंट है उसको यहाँ पर लिखा जाता है एन और एल लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नॉब है, ये जो सिलेक्टर स्विच का नॉब है इसको ऑफ के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऑफ के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। और ऑफ के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, जो ये जो फेज और न्यूट्रल है यहाँ पे, जो न्यूट्रल है तो सबसे पहले यहाँ पे ये इन वाले पॉइंट पे रखेंगे, और जो इसका फेज है ये फेज है यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो लैंप है, ये जो सीरीज लैंप है, ये जो बल्ब है यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ये जलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने सिलेक्टर स्विच को ऑफ भी रखा होता है तो भी ये जो अंतर्गत जो जो अंदर से ये कनेक्ट रहते हैं, ये जो इन और आउट का जो पॉइंट रहता है अंदर से कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए दोस्तों ये जो बल्ब है यहाँ पे जलना चाहिए, यहाँ पे ऑन होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट स्टेप में ऐसे हो जाता है, इसका जो सीरीज लैंप का जो बल्ब है वो जल जाता है तो ये फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे सही है, मतलब फर्स्ट स्टेप में ये पास हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो वायर है यहाँ से, ये जो आउट वाला पॉइंट है, जो मतलब जो फेज हमने लगाया था उस वायर को हमने यहाँ से हटा देना है, उस वायर को अभी हमें यहाँ से हटा देना है। और जो एक दूसरे वायर थी न्यूट्रल वाली जो हमने एन पॉइंट पे रखा था, मतलब जो एन वाला पॉइंट है उस पर रखा था, तो उस वायर को उधर ही रखना है, उस वायर को यहाँ से हटाना नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो नॉब था, ये नॉब को हमने जैसे ऑफ किया था उसको अभी
पहली बार घुमाएंगे वहाँ पे इसको 3 बार घुमा सकते हैं यहाँ पे इस बटन को, ये जो नॉब दिया जाता है। तो पहली बार हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको घुमाना है, इस नॉब को पहली बार घुमाना है। पहली बार घुमाने के बाद दोस्तों ये जो एन वाले पॉइंट पे एक वायर है, दूसरा वायर कहाँ पे रखना है यहाँ पे, ये जो एन नहीं मतलब ये वन पे वहाँ पे जो फेज वाला पॉइंट है दोस्तों, ये फेज वाली वायर एक नंबर पे रखना चाहिए। ऐसा करने के बाद दोस्तों ये जो लैंप है ये लैंप जलना चाहिए एक नंबर के पॉइंट पे रखने के बाद दोस्तों, पहली बार घुमाने के बाद यहाँ पे एक नंबर पॉइंट पे यहाँ पे बल्ब जलना चाहिए। अगर यहाँ पे बल्ब नहीं जलता है तो ये सिलेक्टर स्विच खराब है। और भी इसके बाद दोस्तों 4 नंबर और 3/2 इसके ऊपर भी हमें सिलेक्ट से क्या करना है, चेक करना है, यहाँ पे ये बल्ब नहीं जलना चाहिए। 4 नंबर और जो 3/2 यहाँ पे दो पॉइंट है इसके ऊपर ये बल्ब नहीं जलना चाहिए, ये ऑफ ही रखना चाहिए, ऑफ ही रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस वायर को हटा देना है। अगर एक नंबर पे पॉइंट पे ये बल्ब जल जाता है दोस्तों, एक नंबर पॉइंट के ऊपर यह रखने के बाद दोस्तों बल्ब जल जाता है तो ये दूसरे स्टेप में भी पास हो गया, यानी कि दूसरे स्टेप में भी ये पास हो गया, तो दूसरे स्टेप में ये अच्छा है। अगर नहीं जलता है तो सिलेक्टर स्विच खराब है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो नॉब है इसका जो स्विच है सिलेक्टर स्विच का, हमें दूसरी बार घुमाना है। दूसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें ये जो सीरीज लैंप का जो फेज वाला वायर है उसको यहाँ पे हमें 4 के ऊपर रखना है। 4 के ऊपर रखने के बाद दोस्तों ये और बल्ब जो सीरीज लैंप है बल्ब है ये ऑन होना चाहिए, ये बल्ब जलना चाहिए। कौन से नंबर पे, 4 नंबर बल्ब पे 4 नंबर जो पॉइंट है इसका उसके ऊपर भी जलना चाहिए, और जो 3/2 वाला पॉइंट है उसके ऊपर भी ये जलना चाहिए। मतलब ये दो पॉइंट पे बल्ब इसका जलना चाहिए। कौन से, ये 4 नंबर और 3/2 वाला जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट पे ऊपर ये बल्ब जलना चाहिए। अगर दोनों जगह पे ये बल्ब जल जाता है तो ये तीसरे स्टेप में भी पास हो गया दोस्तों। अगर बल्ब नहीं जलता है तो क्या ये सिलेक्टर स्विच खराब है। और इसके ऊपर भी हमें चेक करना है दोस्तों, जो 1 नंबर वाला पॉइंट है इसके ऊपर भी यहाँ पे सिलेक्टर चेक करना है। तो क्या करना है दोस्तों, इस नंबर पर बल्ब नहीं जलना चाहिए, यहाँ पर ये बल्ब ऑफ ही रहना चाहिए। अगर 1 नंबर पर आप चेक करते हो तो ये बल्ब यहाँ पे नहीं जलना चाहिए। तो अभी अगला स्टेप क्या है दोस्तों, अभी चौथा जो स्टेप है इसको उसको कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको तीसरी बार घुमाएंगे हम, इसको 3 बार घुमा सकते हैं, इसको ये सिलेक्टर स्विच को तीसरी बार घुमाएंगे। तीसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फेज वायर है, ये जो सीरीज लैंप का फेज वायर है 3/2 के ऊपर यहाँ पर लगाना है हमें, 3/2 के ऊपर यहाँ पर लगाना है, और उसी यहाँ पे बल्ब क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, बल्ब यहाँ पे जलना चाहिए तीसरी बार घुमाने के बाद। कौन से पॉइंट पे, ये जो 3/2 वाला पॉइंट है उसके ऊपर भी बल्ब जलना चाहिए, और जो 1 नंबर पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट इसके ऊपर भी यहाँ पे बल्ब जलना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है कौन से पॉइंट पर कौन से बल्ब जलना चाहिए, तो 1 नंबर पर ये पॉइंट जलना चाहिए दोस्तों। जैसे ही तीसरी बार आप नॉब को घुमाओगे तो 3/2 और 1 नंबर पे बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जलता है तो ये सिलेक्टर स्विच चौथे नंबर पे मतलब चौथे स्टेप में भी पास है, यानी कि जो सिलेक्टर स्विच है ये सही है, खराब नहीं है। अगर बल्ब नहीं जलता है तीसरी बार घुमाने के बाद भी 3/2 और 1 नंबर के पॉइंट पर बल्ब नहीं जलता है तो ये सिलेक्टर स्विच खराब है। और दोस्तों हमें क्या करना है इसके बाद दोस्तों, 4 नंबर वाले पॉइंट पे भी यहाँ पे चेक करना है कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तीसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों ये 4 नंबर पॉइंट पे बल्ब नहीं जलना चाहिए, यहाँ पे बल्ब क्या होना चाहिए, ऑफ ही रहना चाहिए, ऑफ होना चाहिए 4 नंबर पे पॉइंट पे। इसी तरह से दोस्तों जो 5 पिन वाला सिलेक्टर स्विच है वो यहाँ पर 4 स्टेप में चेक करते हैं, और 4 ही स्टेप में इसको अगर सही है पास हो गया तो ये सिलेक्टर स्विच सही है, नहीं तो ये सिलेक्टर स्विच खराब है। और दोस्तों अभी ये 5 पिन वाला सिलेक्टर स्विच हमने चेक किया, अभी हम चेक क्या चेक करेंगे, यहाँ पे जो 6 पिनों का सिलेक्टर स्विच रहता है उसको अभी हम चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6 पिन वाला सिलेक्टर स्विच का यहाँ पे डायग्राम निकाला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरीज लैंप पे भी यहाँ पे है। और इस दोस्तों इस जो 6 पिन वाला सिलेक्टर स्विच है दोस्तों इसको यहाँ पे 5 स्टेप में यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये अभी 5 स्टेप में इसको कैसे चेक करेंगे ये अभी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो नॉब है इस नॉब को सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑफ रखना है। ऑफ रखने के बाद दोस्तों ये जो फेज और न्यूट्रल है सीरीज लैंप का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो न्यूट्रल है सीरीज लैंप का जो न्यूट्रल है
तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जो एन वाला पॉइंट है यानी कि जो इन वाला पॉइंट है इसके ऊपर रख देंगे। और जो दोस्तों सीरीज लैंप का जो फेज है, फेज को वायर को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ले लेंगे और जो दूसरा आउट वाला पॉइंट है उसको यहाँ पे हम रख देंगे दोस्तों। तब यहाँ पे हमें जो सिलेक्टर स्विच हो यहाँ पे ऑफ ही रहना चाहिए, ऑफ ही रखना है इसको। तो ये ऑफ रखने के बाद दोस्तों एन और एल पे यानी कि इन और आउट के ऊपर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो बल्ब है ये बल्ब यहाँ पे जलने जाएगा, जलने लगेगा, मतलब ये बल्ब ऑन हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों पहले स्टेप में इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको ऑफ रखेंगे और जो इसका एन और एल पॉइंट है मतलब इन और आउट का जो पॉइंट है उसको ऊपर ये सीरीज लैंप जलना चाहिए। अगर ये सीरीज लैंप जलता नहीं है तो ये सिलेक्टर स्विच खराब है। अगर इसके ऊपर दो पॉइंट के ऊपर अगर सीरीज लैंप ऑन हो जाता है तो ये पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में पास हो गया सिलेक्टर स्विच है, पहले स्टेप में पास होगा, पहले स्टेप में सही है। अभी इसका दूसरा स्टेप कौन सा है दोस्तों, दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, ये जो पॉइंट है मतलब ये जो वायर है फेज वाली, यहाँ से हमको यहाँ से हटा देना है, कहाँ से, जो आउट वाला पॉइंट है। और क्या करेंगे, ये जो नॉब है इसको, नॉब को पहली बार घुमाएंगे, मतलब इसको पहली बार हमको घुमाना है। पहली बार घुमाने के बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, जो सीरीज लैंप का जो येलो जो फेज वाला पॉइंट है मतलब फेज वाली जो वायर है कहाँ पे रखना है दोस्तों, यहाँ पे हमें दो नंबर पे रखना चाहिए। दो नंबर के ऊपर रखने के बाद दोस्तों इसका जो सीरीज लैंप का बल्ब है वो जलना चाहिए, मतलब ये बल्ब ऑन हो जाएगा। कहाँ पे, पहली बार नॉब को घुमाने के बाद दो नंबर पे ये जल जाएगा बल्ब। तो क्या होगा, दूसरे नंबर पे अगर ये दूसरे नंबर पे ये बल्ब जल जाता है तो सिलेक्टर स्विच दूसरे स्टेप में पास है। अभी इसके साथ साथ दोस्तों हमें ये दो बाकी के जो तीन पॉइंट है उसके ऊपर भी चेक करना है। कहाँ कहाँ पे चेक करना है, एक नंबर और चार नंबर और तीन नंबर, लेकिन एक नंबर चार नंबर और तीन के ऊपर ये बल्ब नहीं जलना चाहिए। उसी टाइम हमें क्या होना चाहिए, ये बल्ब को ऑफ होना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए। ये पहले बार हम नॉब को घुमाएंगे तो दो नंबर पे बल्ब जलनी चाहिए और एक और चार नंबर और तीन नंबर के ऊपर बल्ब नहीं जलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दूसरे स्टेप में भी ये सिलेक्टर स्विच पास हो गया, दूसरे स्टेप में ये सही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी इसको तीसरे स्टेप में चेक करेंगे सिलेक्टर स्विच को। अभी इसका तीसरे स्टेप में इसको चेक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, ये जो सिलेक्टर स्विच का नॉब है उसको हमें दूसरी बार घुमाना है। इसको हम दूसरी बार जैसे घुमाते हैं दोस्तों तो क्या करना है, ये जो फेज वाला वायर है, फेज वाला वायर जो है एक नंबर के ऊपर रखना चाहिए। एक नंबर के ऊपर रखने के बाद दोस्तों ये जो सीरीज लैंप का बल्ब है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, मतलब ये बल्ब जलने लगेगा। अगर दूसरी बार हम इसको नॉब को घुमाते हैं तो एक नंबर पे और चार नंबर पे ये दोनों नंबर पे यहाँ पे ये बल्ब जल जाएगा। ये दोनों पॉइंट के ऊपर अगर बल्ब जल गया तो ये तीसरे स्टेप में भी ये पास हो गया। और दोनों पॉइंट के ऊपर बल्ब जलने के बाद दोस्तों अभी जो दो बाकी के पॉइंट है, दो नंबर और तीन नंबर, इसके ऊपर भी हमें चेक करना है। लेकिन ये तीन नंबर और दो नंबर के पॉइंट के ऊपर ये बल्ब नहीं जलना चाहिए, उसी पे क्या होना चाहिए, ये बल्ब यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, मतलब ये बल्ब बंद हो जाएगा, नहीं जलेगा। कौन से नंबर पे, दो नंबर और तीन नंबर पे। इस तरह से दूसरी बार नॉब को घुमाने के बाद दोस्तों एक नंबर और चार नंबर के ऊपर बल्ब जलनी चाहिए और दो नंबर और तीन नंबर के ऊपर बल्ब नहीं जलती है तो ये तीसरे स्टेप में भी पास हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको चौथे स्टेप में इसको चेक करेंगे। चौथे स्टेप में इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम जो ये नॉब है नॉब को तीसरी बार घुमाएंगे। नॉब को तीसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों ये जो फेज वाला वायर है, ये जो सीरीज लैंप का फेज वाला वायर है उसको कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, हम उसको रखेंगे चार के ऊपर, यहाँ पे रखना है। चार के ऊपर रखने के बाद दोस्तों ये जो सीरीज लैंप का जो बल्ब है वो बल्ब यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यानी कि ये जो बल्ब है यहाँ पे जल जाएगा। कहाँ पे जलेगा, तीसरी बार नॉब को यहाँ पे तीसरी बार नॉब को घुमाने के बाद दोस्तों चार नंबर और तीन नंबर का जो पॉइंट है इसके ऊपर ये बल्ब जल जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे हम नॉब को मतलब जो सिलेक्टर स्विच का जो नॉब है उसको तीसरी बार घुमाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, चार नंबर और तीन नंबर यहाँ पे बल्ब जलना चाहिए और जो बाकी के दो पॉइंट है जो दो नंबर का और एक नंबर का इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ये जो बल्ब है ये बल्ब यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ऐसा हो जाता है तो दोस्तों ये तीसरे जो चौथा स्टेप है इसका, ये चौथा स्टेप में भी ये पास हो गया, चौथे स्टेप में भी ये सिलेक्टर स्विच सही है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लास्ट जो स्टेप है इसका पाँचवा नंबर का, उस पर यहाँ पे इसको सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो उसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों,
ये जो न्यूट्रल वायर है दोस्तों, ये इसको इधर ही रखना है, इसको यहाँ से हिलाना नहीं है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो सिलेक्टर स्विच का जो नॉब है उसको चौथी बार घुमाएंगे। चौथी बार घुमाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फेज वाली वायर है उसको क्या आप कहाँ पर रखेंगे, चार नंबर के ऊपर रखेंगे। चार नंबर के ऊपर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा, ये बल्ब यहाँ पे जल जाएगा। और चार नंबर के ऊपर जलना चाहिए, और जैसे ही दो नंबर वाला पॉइंट है उसके ऊपर भी अगर आप फेज वायर रखोगे सीरीज लैंप का, तो इसके ऊपर भी ये बल्ब जलना चाहिए। ये दो पॉइंट के ऊपर ये बल्ब जलना चाहिए, और जो बाकी के दो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नंबर और तीन नंबर, इसके ऊपर बल्ब नहीं जलना चाहिए। मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कौन से नंबर पे, एक नंबर और तीन नंबर पे। यानी कि दोस्तों ये सिलेक्टर स्विच का जो नॉब है उसको अगर हम चौथी बार घुमाते हैं तो चार नंबर और दो नंबर के ऊपर यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, और दोस्तों एक नंबर और तीन नंबर के ऊपर पे बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो दोस्तों ये जो पांचवा स्टेप है सिलेक्टर स्विच चेक करने का, उसमें भी ये पास हो जाता है और ये सिलेक्टर स्विच सही हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हम सिलेक्टर स्विच को चेक करते हैं। अब दोस्तों ये जो आठ नंबर का जो पीसीबी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीसीबी को चेक करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। क्या होता है, अगर पीसीबी ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे पूरी सिस्टम बंद हो जाती है, यानी कि उसका डिस्प्ले भी कभी कभी ऑन नहीं होता है, या क्या होता है, जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी यहाँ पे चलती नहीं है, पूरी बंद हो जाती है। तभी उसी टाइम हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो पीसीबी रहता है, जो एसी का, विंडो एसी का या स्प्लिट एसी का, कौन सा भी यहाँ पे पीसीबी रहने दीजिए, तो उसको निकाल के हमें जो पीसीबी रिपेयर करने वाले जो अलग से टेक्नीशियन होते हैं, जो मैकेनिकल होते हैं, उनके पास हमें पीसीबी को लेके जाना पड़ता है और उनसे ही वहाँ पे पीसीबी को हमें चेक करवाना पड़ता है। हमको वैसे पीसीबी रिपेयर, मतलब पीसीबी चेक करने का तरीका नहीं आता है, और हम कोई भी टेक्नीशियन रहने दीजिए वो वहाँ पे चेक नहीं कर सकता है। उसके जो अलग से टेक्नीशियन रहते हैं पीसीबी रिपेयरिंग करने वाले, उनके पास ही ये पीसीबी लेके जाना पड़ता है। और जो ये नौवां नंबर का है दोस्तों, नवा नंबर का जो ओएलपी यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर, उसका काम क्या है दोस्तों, जैसे ही कॉम्प्रेसर ज़्यादा गर्म होता है, ओवरलोड होता है, मतलब ओवर हीट होता है, तो ये ओएलपी क्या करता है दोस्तों, कट ऑफ कर देता है, मतलब आगे जो सप्लाई जा रहा है कॉम्प्रेसर के लिए वो बंद कर देता है। ओएलपी वो इंटरनल आता है, मतलब जो कॉम्प्रेसर रहता है वो कॉम्प्रेसर के अंदर ही आता है, इसलिए दोस्तों हम उसको बाहर से नहीं चेक कर सकते। अगर बाहर ओएलपी रहता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अंदर ओएलपी रहता है तो उसको हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कॉम्प्रेसर का जो बॉडी है उसके अंदर लगा रहता है। इसलिए दोस्तों इसको ओएलपी को अलग से हम इसको चेक नहीं कर सकते। इस तरह से दोस्तों जो इलेक्ट्रिक पार्ट है उसको हमें चेकिंग करना पड़ता है।